हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 मस्कारास जो कि आप आंखें बंद करके ले सकते हो। यस, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ टॉप 5 फाउंडेशन, प्राइमर, शैम्पू, क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सबका रिव्यू शेयर किया है। सो मुझे उन पे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज मेकअप प्रोडक्ट्स लाइक मस्कारा, लिप बाम या फिर ब्लश ऑन, इन सब का भी रिव्यू हम लोग के साथ शेयर करो कि हम अगर हमें बाय करना है तो टॉप 5 में से हम कौन सा बाय करें। सो यस, मेरे पास कम से कम 8 से 10 मस्काराज है। उनमें से जो 5 बेस्ट है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लिंक्स में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो इन केस इन मस्काराज में से अगर आपको कोई बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सो जितने भी मस्काराज हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मैक्स आपको ये 700-800 के अंदर मिल जाएंगे। मतलब एक दो है जो थोड़ा सा प्राइजी है, 700-800 में है, बाकी तो काफी नॉर्मल प्राइस के ही है। क्योंकि मस्कारा ऐसी चीज है ना कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करो उनमें, क्योंकि जब आपने एक बार उनको खोल दिया, मतलब ओपन कर लिया, उसके बाद आपको विद इन 4 to 6 मंथ के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करना है, उनको यूज करना छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप उनको यूज करोगे तो आपको आंखों में लाइक थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। मुझे मतलब मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि एक मस्कारा मेरा बहुत फेवरेट है, मैं उसको काफी टाइम से यूज कर रही थी, मतलब 6 to 7-8 मंथ हो गए थे। उसके बाद मुझे हल्की सी आईज में इचिंग होने लग गई थी जब भी मैं उसको यूज करती थी, थोड़ा सा रेडनेस भी होने लगा था आंखों में। सो बाद में मुझे फील हुआ, जब मैंने उसकी एक्सपायरी डेट देखी तो मुझे पता चला कि ये 6 महीने के अंदर ही आपको यूज करना होता है। सो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्राइस में भी अच्छे मस्काराज आपको मिल जाएंगे, जो एक दो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगी। सो यस, जो फर्स्ट मस्कारा है गाइज, दैट वन इज एब्सोल्यूट माई फेवरेट, और बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज फ्रॉम ब्रांड मार्स कॉस्मेटिक और ये है मार्स का। आई थिंक ये 200 के अंदर आपको मस्कारा मिल जाएगा। इसका वॉन्ड इतना ज्यादा प्यारा है, मतलब मुझे हमेशा ना जब भी मस्कारा लगाना होता है ना, मेरा हाथ इसी पे जाता है। लुक एट दिस, इसका वॉन्ड देखो आप कितना ज्यादा सुपर है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, इनफैक्ट बहुत अच्छी सी लेंथ देता है आपकी आंखों में, मतलब लगता है कि आपने कुछ अच्छा सा लगाया है। सो मेरा ये आई थिंक 2nd या 3rd बोटल है। 6-7 मंथ पे मैं रीपर्चेस करती हूँ वापस, ऑलमोस्ट मतलब मैं इसी को ही वेयर करती हूँ जब भी मुझे मस्कारा लगाना होता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग और मतलब अच्छा मस्कारा आपको चाहिए जो आपकी आंखों में अच्छा इफेक्ट दे, आपकी लैशेज में अच्छा इफेक्ट दे, देन यू मस्ट गो फॉर दिस। प्राइस बहुत ज्यादा कम है इसकी, 200 में आपको अमेजोन पे ये मिल जाएगा इजिली। एंड नेक्स्ट जो मस्कारा है गाइज, जो कि हमारा आई थिंक इसको इंडियन मस्कारा घोषित कर देना चाहिए, ये आपको हर एक लड़की के पास मिलेगा, इतना ज़्यादा सुपर्ब है ये मस्कारा। एंड यस, बस मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगती कि ये ना मतलब आंखों में लगने के बाद जब आपने लैशेस पे लगा लिया ना, उसके बाद इसको निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टिकीनेस लगी रहती है लैशेस पे। सो अच्छे से माइसेलर वाटर के साथ ही आपको इसको रिमूव करना होता है, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा। अगर आपने हल्का माइसेलर वाटर या आपने निकालने में थोड़ी सी मतलब लेजीनेस कर दी ना, तो ये आपकी आंखों में रहेगा लैशेस पे, तो वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पे, आपकी लैशेस पे, आपके हेयर पे एवरी टाइम नहीं रहना चाहिए, एक टाइम के बाद उसको निकाल देना चाहिए। सो ये मस्कारा है, इसका वॉन्ड देखो आप इस तरह का है। एंड यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको निकालने में थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। सो ये वाटरप्रूफ भी है, स्वेट प्रूफ भी है, आपने पानी से मुंह धो लिया कर लिया नॉर्मली तो भी ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, और अच्छी सी लेंथ देता है। मतलब इसका नाम ही यही है, वॉल्यूम एक्सप्रेस लेंथ वाटरप्रूफ मस्कारा। सो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर मेरे पास आई थिंक मेबलिन का हाइपर कर्ल भी है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे ये येलो वाला जो ये है एक्सप्रेस वाला, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो यस, एंड नेक्स्ट जो मस्कारा है गाइज, दैट इज फ्रॉम ब्रांड लोयल पेरिस एंड दिस इज द वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा। दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ एंड ये आपको मिलता है अंदर इसका वॉन्ड। सो इसका वॉन्ड बहुत ज्यादा थिक नहीं है बट बहुत ज्यादा डेंस है, तो जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, ये काफी अच्छे से डेंस देगा आपकी लैशेज में और अच्छी सी वॉल्यूम देगा। सो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब इसकी MRP आई थिंक ये 800 to 900 समथिंग का कुछ है, बट आपको ये 700-750 में मिल जाएगा अमेजोन पे। एंड ये भी एक ऐसा मस्कारा ना कि इसको अपने एक बार लगा लिया ना तो आप आराम से मतलब भूल जाओ। अगर आप पूरे दिन मेकअप करके रख रहे हो, आपको वॉश नहीं करना है अपना फेस, आप कोई ऐसे फंक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको पूरे दिन अच्छे से प्रेजेंटेबल रहना है, तो उसके लिए दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन। लाइक ब्रांड है, काफी अच्छा ब्रांड है, तो उस अकॉर्डिंग ये मतलब उतना वर्थ भी है। जस्ट हैवी मेकअप के साथ, पार्टी फंक्शन के साथ कुछ अच्छा सा मस्कारा आपको लेना है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन।
एंड नेक्स्ट जो मस्कारा है गाइज दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड अगेन मेबलिन एंड दिस इज द टोटल टेम्पिटेशन मस्कारा. ये भी काफी ज्यादा अच्छा मस्कारा है एंड ये है इसका वॉन्ड. मतलब मोस्टली सबके सिमिलर से ही है, डेंस है एकदम, काफी ब्रॉड से है सो लगाने में काफी ज्यादा ईजी रहते हैं, काफी कंफर्टेबल रहते हैं एंड ये भी वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है. तो इसको भी निकालने के लिए आपको माइसेलर वाटर की ही जरूरत पड़ेगी. सो ये काफी अच्छा ऑप्शन है. ये शायद थोड़ा सा कॉस्टली है, ये जो ये वाला मस्कारा है ना मेबलिन का, इससे थोड़ा सा ये कॉस्टली है बट उतना ही वर्थ है. मतलब इसको एक आंख पे आप लगाओगे, इसको लगाओगे ना तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा. सो प्राइस अगर मेबलिन ले रहा है ना तो उतना ही वर्थ है ये भी. सो ये आप नॉर्मल रेगुलर डेज में यूज कर सकते हो और ये आप थोड़ा सा फंक्शन में जा रहे हो या आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो, डेली आपको लगाना है, डेली आपको प्रेजेंटेबल रहना है 8 to 9 hours के लिए, सो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है. एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है गाइज दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड मामा अर्थ एंड इसके अंदर है विटामिन ई. हमारी आंखों के लिए काफी अच्छा होता है, हम सबको पता है, बालों के लिए, आंखों के लिए. सो ये मस्कारा मतलब ऐसा है कि ये ना, मतलब क्लेम तो इसने किया था कि ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, बट इसकी सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से निकल जाता है. बहुत एफर्ट्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं है और आंखों को मतलब लैशेज को रगड़ना ना मुझे वो अच्छा नहीं लगता है. सो ये मस्कारा ऐसा है कि आपको डेली में कुछ लगाना है हल्का सा, जैसे मैं शूट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 1-2 घंटे के लिए प्रेजेंटेबल रहना है तो मैं ये यूज करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि लैशेज पे भी इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको माइसेलर वाटर रगड़ने की भी जरूरत नहीं है. सो आप नॉर्मली एक बहुत लाइट सा मस्कारा ढूंढ रहे हो जो वाटर प्रूफ ना हो, स्वेट प्रूफ ना हो, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े उसको निकालने के लिए, देन यू कैन गो फॉर दिस मस्कारा. ये भी मुझे काफी अच्छा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग. सो यस गाइस, ये थे कुछ 5 मस्कारा जो लिटरली अच्छे हैं अगर आपको थोड़ा सा हाई एंड पे जाना है, थोड़ा सा मतलब लैशेस को काफी ज्यादा लेंथी दिखाना है और काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल रहना है, पार्टी फंक्शन के लिए कुछ मेकअप करना है, तो इन दोनों में से आप बाय कर सकते हो. मेबलिन का टोटल टेम्पिटेशन एंड लोरियल का लैश पैराडाइज. नॉर्मली आपको डे टू डे लाइफ में या बहुत ज्यादा माइसेलर वाटर ना लगाना पड़े उसके लिए लेना है तो आप इन दोनों में से ले सकते हो, मामा अर्थ एंड मेबलिन का ये जो एक्सप्रेस वाला है. एंड ये तो मैं आपको बोलूंगी कि एक बार आप ले लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट कैसा है. मतलब बहुत ज्यादा प्राइसी भी नहीं है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो. ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है. मतलब बोलूंगी ना कि जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे पास है उसमें से अगर मुझे एक चीज रीपर्चेज करनी है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं ये वाला जो मार्स का मस्कारा है ये ऑलवेज मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रहे और मैं इसको रीपर्चेज करती रहती हूँ. सो यस, लिंक सारे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा गाइस. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए. मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.